आज हम बात करेंगे चतुर्थ जाति की। कल तिस्र जाति की बात करी थी, आज चतुर्थ जाति के बारे में बात करेंगे। जाति एक समूह है, एक समान तरह के जिसके आचार विचार हैं वही जाति या समूह कहलाता है। इसी तरीके से हमारे नृत्य में एक समान चलन, एक समान गति को जो हम डिवाइड करते हैं वही जाति कहलाती है। एक जाति तिस्र होती है, एक चतुर्थ। सामाजिक तौर पर भी हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है, तो हमारा नृत्य भी उससे छूटा नहीं है। तो कल हमने तिस्र जाति की बात करी थी, तीन तीन बोल एक मात्रा में आने वाले। आज बात कर रही हूँ चतुर्थ जाति, यानी एक मात्रा काल में जब हम चार बोलों का प्रयोग करते हैं तो जाति चतुर्थ जाति हो जाती है। एक मात्रा काल में हम आठ का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी चतुर्थ जाति की होगी। तो मैं एक तिहाई आपके सामने कर रही हूँ चतुर्थ जाति की, पहले मैं इसे पढ़ देती हूँ।